बड़ी ठंडी किस्मत लेके आया इस धरती ते, शुक्र अदा कर तू आया न्यूजीलैंड की धरती ते, जे तू वाया होंदा सिंध बलोचिस्तान पंजाब ते तू भी होना सी बाबर तना जलीलो खवार। हाँ जी, आज आपको बताते चले, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही मनहूस कप्तान के बारे में, बहुत ही बदकिस्मत कप्तान के बारे में, जिसकी किस्मत में ना तो कोई ट्रॉफी है और ना ही कोई खुशी है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन। केन विलियमसन उसकी बात करने जा रहे हैं कि वो उसकी किस्मत इतनी ठंडी है हर बार की तरह इस बार वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। पहले तो वो वर्ल्ड कप को सेमीफाइनल फाइनल खेल जाता था, लेकिन इस बार तो वो कुछ भी नहीं खेल कर गया। इस बार तो वो पहले ही राउंडों में बाहर हो चुका है। मतलब कि ये कुदरत का निजाम के या मर्जी के, लेकिन ये बेचारे की जो किस्मत है ना, उसने ट्रॉफी नाम की कोई चीज लिखी नहीं मिला था। ऊपर से लिखवा कर आया कि मेरी किस्मत में कोई भी ट्रॉफी नाम की चीज ना लिखना, सिर्फ मेरी किस्मत में सेमीफाइनल फाइनल खेलना लिखना, उसने हार कर वापस वतन वापस जाना लिखना, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना। ऊपर से स्टंप लगवा कर आया कि मैंने कोई ट्रॉफी भी नहीं करवानी, चाहे वो लीग में ये कप्तान हो, चाहे वो अपनी टीम का कप्तान हो, कहाँ भी हो, ये कोई अभी तक ये ट्रॉफी अभी तक कोई विन नहीं किया। एक मैं आपको ना, हमारे जो सबक प्लेयर हैं उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने एक तरीकी अल्फाज बोले थे कि अगर कोई बंदा किसी चीज की इज्जत नहीं करता तो इसी तरह वो जीलो कुमार होता है। जी हाँ, आपको शायद पता होगा पिछले दिनों में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज थी, न्यूजीलैंड का टूर था पाकिस्तान में और इन्होंने पाकिस्तान में खेलना था, लेकिन उस वक्त आईपीएल चल रहा था। इन्होंने आईपीएल को ज़्यादा अहमियत दी, अपनी टीम को, अपने नेशन को, अपनी नेशनल टीम को अहमियत नहीं दी। मतलब कि इन्होंने कहा कि हमने आईपीएल खेलना है, हमने पाकिस्तान के जाकर सीजन ही खेलनी, हमने आईपीएल में प्रैक्टिस करनी है। तो वो बात सच है कि जो बंदा किसी चीज़ की इज्जत नहीं करता वो इसी तरह जलीलो ख्वार होता है। तो आपके सामने है कि इस बार फिर से ये जलीलो ख्वार होकर वापस हमें बताने जाएंगे बगैर ट्रॉफी लिए। हालांकि टीम इनकी अच्छी थी, लेकिन किस्मत खराब, चाहे वो कप्तान की किस्मत खराब हो, चाहे वो पूरी टीम की किस्मत खराब हो, चाहे वो पूरे मुल्क की किस्मत खराब हो, हम तो यही कहेंगे। लेकिन बंदे को हर चीज की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन इस पर इसको सलूट है यार, इसकी किस्मत को यार, अच्छा इसकी किस्मत को ठीक करे, शायद कोई एक आध ट्रॉफी लिख ही दे सी, अब हम भी देख लें इसकी आदमी को ट्रॉफी जो उठाकर अपने मुल्क में लेकर जा रहा हो।